कंडीशन के हिसाब से अगर आपको डिस्काउंट देना हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो कैसे देंगे? डिस्काउंट के बारे में पहले बताया मैंने, लेकिन अगर आपको कंडीशन के हिसाब से डिस्काउंट देना हो तो चलिए ये समझते हैं कि ये कंडीशन के हिसाब से डिस्काउंट क्या होता है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन किया, यहां पर ब्लैंक डेटाबेस पर आपको क्लिक कर देना है और यहां से क्रिएट पर क्लिक कर देना है। डेटाबेस जो भी नाम यहां पे दिया गया हो वही मैं रखना चाहता हूं, डेटाबेस 16 फॉर एग्जांपल दिया हुआ है तो यही मैं रख लेता हूं, आप चेंज भी कर सकते हैं। यहां पर व्यू पे जाना है आपको और यहां पर डिस्काउंट के लिए ये सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूं तो यहां लिख दे रहा हूं डिस्काउंट। अब ये कंडीशन के हिसाब से डिस्काउंट देंगे, दोनों में अंतर है देखिएगा। अब यहां पे आईडी को आईडी ही रखता हूं और यहां पर कर देता हूं यूनिट। अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है, अगर आप कोई सामान खरीदते हैं और ऐसे कंडीशन में सामान जो खरीदेंगे वो दो खरीदेंगे, चार खरीदेंगे, दो किलो खरीदेंगे, चार किलो खरीदेंगे, तो इस तरह की चीजों पर डिस्काउंट अलग अलग कंडीशन के हिसाब से दिया जाएगा। तो ये डिस्काउंट कैसे देंगे, तो 2019 वर्जन यूज कर रहा हूं तो आपको पता है कि 2019 वर्जन में यहीं पर कैलकुलेटेड का ऑप्शन मिल जाता है आपको और कैलकुलेटेड डेटा टाइप की मदद से यहीं पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए ये कैलकुलेट करते हैं, यहां पर आते हैं डेटा टाइप में और यहां से चूज कर लेते हैं हम कैलकुलेटेड। तो ये जो कैलकुलेटेड है यहीं पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए यहां पर मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मिस्टेक होगी तो आगे दिक्कत आएगी। तो यहां पर आई इफ फॉर्मूला होता है, ये एक्सेल नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, तो यहां पर इफ नहीं होगा, आई इफ होगा, ठीक है। तो ये लगा लिया और यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब हमने यूनिट क्या लिया है, यूनिट लिया है ना, तो यूनिट को नंबर डेटा टाइप रखा है। अगर आप नंबर नहीं रखेंगे तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे कर लेता हूं स्क्वायर ब्रैकेट में यूनिट, तो जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही यूनिट लिख दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि यूनिट इज लेस देन और इक्वल टू, अगर लेस देन हो या इक्वल टू हो 5K तो हम उस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं देने वाले हैं। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ 0 डिस्काउंट, ठीक है। तो अगर आप कोई सामान 5 या 5 से कम खरीदते हैं तो उस पर कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि 0 डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मैंने लिख दिया 0 डिस्काउंट, ठीक है। कॉमा देता हूं और कॉमा देने के बाद अगर 5 से ज्यादा कोई सामान खरीदते हैं तो उस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, कितना मिलेगा मैं यहां लिख देता हूं। यहां पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है 5% का, तो ये लिख दिया मैंने 5 और यहां पे परसेंट का साइन लगा दिया। बस आपको यही करना है, बस इस ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और यहां पर ओके कर दीजिए, ठीक है। आपको अब बात समझ में आएगी कि ये जो है डिस्काउंट किस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो मैंने जो कंडीशन दिया उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अगर कोई सामान एक खरीदते हैं तो इस पर 0 डिस्काउंट अपने आप आ रहा है, देखिए 0 डिस्काउंट, ठीक है। अगर आप कोई सामान 2 खरीदते हैं तो भी 0 डिस्काउंट आएगा, क्लियर। अगर आप कोई सामान 5 खरीदेंगे तो भी 0 डिस्काउंट आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई सामान 10 खरीदते हैं तो आएगा 5% डिस्काउंट, तो ये देखिए यहां पर 5% अपने आप आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली ये कर सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ा आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उस कंडीशन में अगर आपको इस तरह की कंडीशन देनी हो तो इसका यूज कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।